देखियो पेज नंबर 184 पे क्वेश्चन फर्स्ट है गा पावर ऑफ अ लेंस की हुंदा। ये लिखण तो पहलो ना वैसे तो एक लाइन का आंसर ही है पर मेन समझियो किदा पावर नू डिफाइन करना। जिदा एक लेंस है इहदा नाम हुंदा कनवैक्स लेंस। कनवैक्स लेंस आ प्रिंसीपल एक्सिस। एक लेंस होर बनाउणा ये भी केड़ा लेंस या कनवैक्स लेंस दोनों च फर्क की है। एक लेंस है गावा थिन पतला, एक लेंस केड़ा है गा थिक मोटा है, थिकनेस उहदी ज़्यादा है। एक थिन या एक थिक या जे इहदे ते तां रे पैंदी है, इहदे ते भी रे सेम पई है इस तरह। जिहड़ा ते हैगा थिन, थिन थिन इस रे नूं की करदा वा अग्गे जा के मोड़ूगा इस तरह। इत्थे जा के मीट कराया इहने ते जिथे मीट करवाउंदा वा उत्थे की हुंदा एफ आ, इहदा एफ हो गया फोकल लेंथ। ते जिहड़ा थिक हुंदा वा इह लागे मीट करा दिंदा, इन्हें लागे मीट कराता इहदा एफ आ वाला हो गया। किहदा एफ ज़्यादा, इहदा एफ ज़्यादा ते उहदा एफ की हैगा घट है ना, इन्ना क क्लीयर हो जाता। फिर पावर जिहड़ी हुंदी, पावर का मतलब हुंदा है बेंडिंग ऑफ लाइट, किद्दां वह रोशनी नू बेंड करूगा। रोशनी तो सीधी जाती पई, उन्हूं की कीता बेंड कीता। जिद्दां इहनूं सीधा याद रख लियो किन्ना बेंड करना, पावर टू बेंड जां स्ट्रेंथ टू बेंड जां पावर, पावर टू बेंड अ रे ऑफ लाइट, अ रे ऑफ लाइट। तुहाडे हिसाब नाल किहदी पावर ज़्यादा, जिन्ने ज़्यादा बेंड कीती इहदी पावर ज़्यादा, मोर पावर उदा याद रख लो जिहड़ा मोटा हुंदा उहदी पावर ज़्यादा वा मोर पावर, ते इहने घट बेंड कीता रोशनी कितने उत्थे जा के मोड़, इन्हें तो सीधा इदा मोड़ता ही ना, यदी लो पावर जी। लो पावर, पावर केदी ज़्यादा हुंदी आ, पावर केदी ज़्यादा हुंदी आ जेदी फोकल लेंथ घट हुंदी, जेदी फोकल लेंथ की हुंदी आ घट। मोर पावर, मोर पावर ते लैस की हुंदी आ फोकल लेंथ। इनवर्सली प्रपोर्शनल लिखे ना, लैस की होगी फोकल लेंथ। हुण तुहाडे आंसर ते आउने आ, आंसर नूं किद्दां लिखोगे। पावर का फार्मूला पता लगा, पावर किहदे ते डिपेंड करदी आ एफ ते, एफ ते पी इज इक्वल टू प्रपोर्शनल हटा दो वन बाई एफ, ते ए फोकल लेंथ कादे विच होनी चाहीदी मीटर विच। जे मैं जे किसी की फोकल लेंथ एक मीटर होवे, इफ अ लेंस लेंस हैव हैव फोकल लेंथ इज इक्वल टू वन मीटर, ये वन मीटर भरीए एफ की जगह पर वन मीटर भरता वन बाय वन वन नहीं हुंदा, पावर किहदे इक्वल आ जाती वन डायोप्टर, पावर के यूनिट हुंदे डायोप्टर। दैन then lens have power is equal to one diopter। होया क्लीयर थोड़ा बहुत? ठीक है, बस इन्ना क दिमाग च रख लो, जेदे जेड़े लेंस की फोकल लेंथ एक मीटर हुंदी आ उहदी पावर किन्नी हुंदी आ वन डायोप्टर, जेड़े लेंस की फोकल लेंथ एक मीटर हुंदी उहदी पावर किन्नी हुंदी आ वन डायोप्टर, इन्ना याद रखियो। ठीक है, अगे देखियो, अगला ध्यान ना देखियो थोड़ा। हुण किहड़ा लेंस आ? कनवैक्स लेंस। कनवैक्स लेंस बनाउने आपां, कनवैक्स लेंस किद्दां बणाईदा वा? जे आ वेखो हुणे मैं बणाए ही इधर, इहनूं बॉटम मिडल तो थिक करदे आ आपां। ऑप्टिकल सेंटर इधर की हुंदा एफ वन सी वन, इधर की होना एफ टू ते सी टू।
किहो जी फोटो बनती पई आ रीयल ते एक केड़ी बनती पई इनवर्टिड। इनवर्टिड मतलब पुठी फोटो बनती पई किन्नी दूरी ते बनती पई फोटो 50 सेंटीमीटर दूर बनती पई एदे तो। इमेज किन्नी दूर बनती पई इमेज दा डिस्टेंस, इमेज डिस्टेंस ये कादे नाल डिनोट करीदा वी दे नाल ते किन्नी दूरी ते फोटो बनती पई आ 50 सेंटीमीटर की दूरी पर। उन्होंने कहा वा जेदी फोटो बनती पई एक नीडल की फोटो बनती पई तो नीडल नू कित्थे रखिया होगा पहला जवाब दईए वेयर इज़ द नीडल प्लेस्ड। आपां ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस पता करना जी, ऑब्जेक्ट एक नीडल आ, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस आपां पता करना किन्नी दूरी पर यू रखिया होगा। अगे वेखो की क्या इमेज इक्वल टू साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज इज इक्वल टू हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट आ भी गिवन जी। आ तीन चीज़ा क्वेश्चन चो लभियां कितना समझ लग गया ठीक है। आ वेखो उन्होंने कहा ना इमेज का साइज तो ऑब्जेक्ट का साइज की आ इक्वल, तो आप इमेज का साइज तो ऑब्जेक्ट का साइज की आ इक्वल। एच आई का मतलब हाइट ऑफ इमेज, एच ओ का मतलब की आ हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। हुण एक फार्मूला हुंदा है एच आई अपॉन एच ओ वी अपॉन यू, ये फार्मूला हुंदा वी की जगह पर की भरीए 50, यू पता करना एच ओ उस तरह तो एच आई भी कि बराबर आ एच ओ दे, इत्थे एच आई की जगह पर भी की भरता एच ओ। इन्ना क्लीयर हुंदा हुण इत्थे मैं एच आई ना माइनस क्यों लाउण लगा क्योंकि उन्होंने कहा केड़ी इमेज बनती इनवर्टिड जो पुठी फोटो बने तो फोटो दे नाल माइनस लाउणा आपां ठीक है। इत्थे माइनस फिर इत्थे भी माइनस आ गया कैंसल हो गया किन्ना आ जूगा यू, यू इधर पहुँच गया तो आ माइनस इधर आ गया माइनस 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट कित्थे रखिया माइनस 50 सेंटीमीटर ते, तो इमेज कित्थे बनी 50 सेंटीमीटर ते, इथों लैके इथों तक सेंटर ऑफ करवेचर तक का डिस्टेंस हैगा जे 50 सेंटीमीटर, इधर भी डिस्टेंस हैगा जे 50 सेंटीमीटर। इधर माइनस लाया क्योंकि लैफ्ट साइड ते, इधर प्लस लाया क्योंकि राइट साइड ते। मैं सी तक ही क्यों पहुँचिया क्योंकि उन्होंने इहदे तो जिन्नी इमे ऑब्जेक्ट की हाइट आ उन्नी इमेज की हाइट ता ही बन सकती जेकर वह कित्थे पियावे सेंटर ऑफ करवेचर। ये रूल पढ़े ने इन्हें ना टकराना ही रे ने एफ चो पास करना ही, फिर एक रे ने ऑप्टिकल सेंटर चो पास करना ही जिथे मीट हो उत्थे फोटो बन जानी। रे डायग्राम कई नहीं पर आप रे डायग्राम भी बनाती। होर की रह गया की लभना आपां पावर, पावर का फार्मूला पता ना ते पावर ली केदी लोड हैगी आ एफ दी, एफ किते इत्थे है ही नहीं, एफ किद्दां लभीदा एक हुंदा लेंस फार्मूला। लेंस फार्मूला वरतदे आ, लेंस फार्मूला की हुंदा 1/f 1/v 1/u। एफ आपां पता करना वी दी वैल्यू किन्नी हैगी आ 50, यू दी वैल्यू किन्नी हैगी आ माइनस 50। माइनस ते माइनस प्लस हो जाने 1/50 + 1/50, 1/50 ते 1/50 किन्ना हो जाना 2/50। 2 1 = 2 किन्ने जा 25 जा 1/f केदे इक्वल आ गया 1/25 दे, ते एफ दे सामने 25 ही लिखिया ते एफ केदा इक्वल आ गया 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर हुण ए एफ उहदे च भरना मेन फार्मूले च, पावर पता करनी ना उन्होंने कहा ही पता करो पावर भी। पावर का की फार्मूला 1/f कादे च भरीदा मीटर च, तो ये कादे च दिता सेंटीमीटर च, जदों सेंटीमीटर च दिता होवे उपर 100 ला देईदा 100। उस तरह एफ की वैल्यू किन्नी भरती 25 25 1 + 25 4 जा पावर आ गई 4 डायोप्टर। इत्थे साडा फुल हुंदा जी कंप्लीट है, कर लो नोट ठीक है, क्लीयर है ना।
इस पेज का लास्ट क्वेश्चन या थर्ड क्वेश्चन सिंपल उन्होंने किया वा फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस, फाइंड द पावर ऑफ अ कनकेव लेंस, ऑफ फोकल लेंथ, ऑफ फोकल लेंथ टू मीटर, फोकल लेंथ दिती है 2 मीटर। पावर का की फार्मूला, 1/f ते फोकल लेंथ मीटर च होंदी, याद रखियो। जे ये सेंटीमीटर च है तो उपर 100 ला देगा, ठीक है। ये सीधी जी गल ही होंगी है, तुहाडे मार्क्स बनाने वाले क्वेश्चन ने सिंपल जे सीधा बस पुट कर देनी वैल्यू। फोकल लेंथ दिती 2 मीटर, इतने 2 मीटर भरता, 1/2 होंगे 0.5। तो जे ये क्वेश्चन 1 मार्क का वा तो टोटल 1 मार्क नहीं मिलना जिन्ना चिर तक ये यूनिट ना लाओगी। इतने डी जरूर लिखना, डी का मतलब हैगा डाइओप्टर, क्लीयर, ठीक है। करो इनू भी खत्म। हुण एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर देखते हैं, पेजिस वाले कंप्लीट होए। पेज नंबर हैगा 185, एक्सरसाइज से क्वेश्चन आंसर है। फर्स्ट क्वेश्चन, मल्टीपल चॉइस की भी इंपॉर्टेंस अपनी जगह पर होंगी, इन्हों भी स्किप ना करया करो। ये भी सारे समझाना तो वधिया कराऊंगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, विच वन ऑफ द फॉलोविंग मटीरियल, विच वन ऑफ द फॉलोविंग मटीरियल्स कांट कैनॉट बी यूज टू मेक अ लेंस, बी यूज टू मेक अ लेंस। साढ़े अगे 4 ऑप्शन आ, वाटर इन्हां चो एक करैक्ट होना वा, वाटर। ऑप्शन नंबर बी हैगा ग्लास, ऑप्शन नंबर सी हैगा प्लास्टिक, ऑप्शन नंबर डी हैगा क्ले। सैकेंड क्वेश्चन, इनू कट्ठिया नू करवाउणा, एक सैकेंड भी नोट कर लिए। द इमेज फॉर्म्ड बाय, द इमेज फॉर्म्ड बाय कनकेव मिरर, कनकेव मिरर इज ऑब्जर्व्ड टू बी वर्चुअल, वर्चुअल इरेक्ट लार्जर देन ऑब्जेक्ट, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। Where should be the position of the object? Where should be the
पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट ऑप्शन नंबर ए बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस बिटवीन द प्रिंसिपल फोकस एंड सेंटर ऑफ करवेचर मैं सिर्फ सिंबल पाना पिया एफ प्रिंसिपल फोकस सी हैगा सेंटर ऑफ करवेचर एट सेंटर ऑफ करवेचर बियोंड सेंटर ऑफ करवेचर बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस बिटवीन पोल एंड प्रिंसिपल फोकस नेक्स्ट क्वेश्चन थर्ड वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड वेयर शुड एन ऑब्जेक्ट बी प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ अ कन्वेक्स लेंस इन फ्रंट of a convex lens to get a real image of the size of object ऑप्शन ए एट द प्रिंसिपल फोकस ऑप्शन बी एट ट्वाइस ऑफ द फोकल लेंथ ऑप्शन सी इन्फिनिटी ऑप्शन डी बिटवीन सेंटर बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड प्रिंसिपल फोकस तीन ते देखियो पहलो देखो इच कला टिक ला के नहीं सानू ए नहीं पे आप मैं इतने दसी जमा इहदा आंसर आ वा इहदा आ वा मेन समझो क्वेश्चन च पुछिया की ते इहदा जवाब किदां देना पूरा ध्यान ना देखियो उन्होंने तुहानू चार मटीरियल दिते आ ते चवा चो कहिंदे केदा लेंस बना सकदे जे तुहानू लेंस समझ नहीं आउंदा चवा चो केदा चश्मा बना सकदे आपां पानी दा चश्मा बना सकदे आपां कच दा चश्मा बना सकदे प्लास्टिक दा के मिट्टी दा केदा चश्मा नहीं बना सकदे उन्हां ने कहा लेंस उहदा बणदा जे मैं चश्मा तां वरतदा पिया तां कि तुहानू थोड़ा क्लीयर हो जाए भी जिहड़ा ऐनक दे विच शीशा जां लेंस ही हुंदा वा लेंस उहदा बणदा जिहदे चो रोशनी पास कर जांदी पानी चो रोशनी पास करदी तुसीं पानी दे विच लाइट पा के वेखो अंदर चानण चल जांदा वा रोशनी पास करदी फिर इहदा लेंस बण सकदा मेक लेंस इहदा लेंस बणूंगा जिहड़ा ग्लास हुंदा कच हुंदा इहदे च रोशनी पास करदी करदी है ना जिद्दां हुण आप रूम चो बाहर चानण जांदा पिया मिरर दे थ्रू मिरर तो अंदर चानण आउंदा पिया ते रोशनी पास करदी है ना फिर आपां कह दांगे इहदा भी लेंस बन सकदा जिहड़ी प्लास्टिक आ प्लास्टिक चो भी रोशनी पास करदी है प्लास्टिक तुसीं कोई ज्योमैट्री बॉक्स लै के वेखियो ते अंदर उहदे लाइट जगा दो ते बाहर चानण आउंदा है प्लास्टिक चो भी रोशनी पास कर दी फिर एदा लेंस भी बन सकता बच गई मिट्टी हुण आ कंध है मिट्टी की कंध है ना इट्टां ते मिट्टी तो ही बनदी है ना उहदी कंध है हुण अंदर इत्थे चानण आ ते कंध तो परले बन्ने ते हनेरा ही होगा ना रोशनी पास कर दी नहीं कंध दे विचों दी फिर एदा लेंस नहीं बन सकता डोंट मेक लेंस लेंस उहदा ही बनदा जे जिहदे चो रोशनी पास कर सकती है ते उहनां ने कहा ਕਿਹਦਾ ਲੈਂਸ ਨਹੀਂ ਬਣੂਗਾ ਫਿਰ ਇਹ ਤਿੰਨ ਆਪਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਤੇ ਲੈਂਸ ਬਣਦਾ ਸੀ ਇਹਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਇਹਨੂੰ ਟਿੱਕ ਲਾ ਦਿਆ ਪੂਰਾ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਿਆ ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਗੇ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਆ ਮਿਰਰ ਕਿਹੜਾ ਕਿਹਾ ਕਨਕੇਵ ਮਿਰਰ
पहली गल जे क्वेश्चन पूरा समझ नहीं आता तुहानू आ वर्ड लभ गया कनकेव मिरर, तुसीं कनकेव मिरर बना के देख लो। कनकेव मिरर नू बाहरों पॉलिश कर लिया, इत्थे तुसीं पोल लिखता, फोकस लिखता, सेंटर ऑफ करवेचर लिखता। हुण वेखो उन्होंने क्या कि उन्होंने क्या जिहड़ी फोटो बनी, इमेज इमेज बनी, उहदे च आड़े गुण आए ने। किदां दी फोटो बनी? सीधी फोटो बनी, वड्डी फोटो बनी, तो वर्चुअल फोटो बनी। तो जिहड़ा कनकेव मिरर हुंदा इक्को वार सीधी फोटो बनाउंदा। केड़ी फोटो? सीधी फोटो इक्को वारी बनाउंदा, पंज वारी ओह इनवर्टिड फोटो बनाउंदा। तो इक्को वारी कदों बनाउंदा? जदों पी ते एफ दे विचकार इहनूं रखोगे, आ ऑबजैक्ट आ, तो इधर जाके उहदी इमेज बनदी, इहदे नालों वड्डी फोटो बनदी। कित्थे रखिया? पी ते एफ दे विचकार। तो इत्थे वेखो ऑप्शन हैगा ना पी ते एफ दे विचकार वाला, तो इहनूं टिक लाता। होया क्लीयर? उह तों अगे आ जाइए थर्ड। थर्ड विच उन्होंने किहड़ा, बाकी क्वेश्चन नहीं समझ आउंदा फिर वेखांगे लेंस किहड़ा क्या। कनवैक्स लेंस, आपां कनवैक्स लेंस बना के देखिए। कनवैक्स लेंस किद्दां बणाईदा वा? जिहनूं मिडल तों थिक कर देईदा आपां। कनवैक्स लेंस बणाया, ऑप्टिकल सेंटर, फोकस नंबर वन, सेंटर नंबर वन, फोकस नंबर टू, तो सेंटर नंबर टू। हुण वेखो की उन्होंने कहा, है रीयल इमेज बननी, तो जिड्डा क ऑबजैक्ट उड्डी क फोटो बननी। तो इदा का क्वेश्चन आप पेजिस वाले च किया, जे आप सी ते रखांगे तो सी ते फोटो बननी। जिड्डा जिड्डा ऑबजैक्ट आ उड्डी इमेज बनी। फिर ये कित्थे रखिया? आप इत्थे वेखो सी ते किते नहीं लिखिया, आ ऑप्टिकल सेंटर आ, ये आ चीज़ आ। सेंटर ऑफ करवेचर किते नहीं लिखिया, पर आ लिखिया ना डिवाइस फोकल लेंथ। इतों तक एफ हुंदा, आ भी एफ हुंदा, एफ ते एफ किन्ना हो गया 2F। डिवाइस फोकल लेंथ सी ते ही पहुँचता जाके, ठीक। इनू आप टिक ला देंगे, तिने मैं समझाते ने नाल नाल, ते कर लो कंप्लीट इन्होंने। समझी उन्होंने? छे तक मल्टीपल चॉइस ही, सत्तवें तो फिर अपनी मेन शुरू हो जाने ने। आप अज मल्टीपल चॉइस ही खत्म कर ले। देखो ध्यान ना, पहला पहले तो जवाब देखो, तुम्हें पता लगता इस लाइन च लुकिया वा, इन्नी क लाइन दे विच। तुम्हें मैं समझा रहा, फोकल लेंथ नैगेटिव कि होंगी? कनकेव की। जिहड़ा कनवैक्स आ ना, कनवैक्स भावें मिरर आ भावें लेंस आ, उहदा एफ पॉजिटिव हुंदा, ते फोकल लेंथ नैगेटिव किहदी हुंदी आ? कनकेव दी। आ वेखो इत्थे कनकेव लिखिया, उन्होंने कहा ही एक हैगा जे मिरर, मिरर एक हैगा लेंस। हुण वह मिरर किहड़ा वा ते लेंस किहड़ा वा जिहदा एफ नैगेटिव होवे? वह दोनों कनकेव होने। मिरर भी कनकेव आ ते लेंस भी कनकेव आ। हो गया क्लीयर? तो कनवैक्स की की होंगी? जिते प्लस हों कनवैक्स से टिक ला देनी। इतने हिंट दस दिना वा, जिहड़ा ते हुंदा कनकेव, कनकेव इस तरह बनाईदा, कनकेव का एफ इधर हुंदा, सी भी इधर हुंदा, ते एफ आदी गल हुंदी पई इस एफ की। जिहड़ियां चीज़ां इधर बनाई दियां वह नैगेटिव हुंदियां, फिर कनकेव ना किहड़ा साइन आना वा? नैगेटिव। तो जे मैं कनकेव मिरर बना, इस तरह होना ही कनकेव मिरर, ठीक है, एदा एफ भी की होना वा? नैगेटिव। आ कनकेव लेंस आए, ये लेंस आ, तो आ चीज़ की आ? मिरर। दोनों का एफ नैगेटिव। डायग्राम्स भी पता लग गई ना, इधर आ जाओ। उन्होंने कहा कोई फर्क नहीं पैंदा तुसीं कित्थे खलोने, तुहाडी फोटो हमेशा सीधी बननी। घर च शीशा हुंदा, भावें तुसीं शीशे दे पूरा लागे पहुँच जाओ तां वी तुहाडी फोटो सीधी, भावें शीशे तो तुसीं 2 किलोमीटर ते खलो जाओ तां वी तुहाडी फोटो सीधी। कोई फर्क नहीं पैंदा भावें तुसीं पूरा जुड़ के खलो जाओ शीशे नाल तां वी फोटो सीधी, दूरी ते खलो जाओ तां वी फोटो सीधी। ते घर वाले शीशे नूं किहड़ा मिरर कहिंदे? प्लेन। पर इत्थे प्लेन इहदे विच वी आ ते प्लेन इहदे विच वी आ, एंड वाला ऑप्शन करैक्ट आ। प्लेन मिरर आ जिहड़ा प्लेन मिरर आ, प्लेन मिरर ऑबजैक्ट की फोटो नू ए वी की बनाउंदा वा? सीधी बनाउंदा। ते जिहड़ा हुंदा कनवैक्स कारां दे विच जां मोटरसाइकलां दा साइड वाला शीशा हुंदा,
कन्वैक्स तो ये बारे भी सानू पता वा भी ये खास गुण की हैगा इन्हें फोटो हमेशा सीधी बनानी दोनों च फर्क की आ जिहड़ा घरां च शीशा जिड्डे अहीं ओडी साडी फोटो बनाउंदा कदी इह थोड़ा हुंदा भी शीशे च अहीं मधरे लगन डईए जां लंबे लगन डईए ते जिहड़ा दूजा शीशा हुंदा कन्वैक्स ओह की करदा वा वड्डी फोटो नूं छोटी बनाउंदा वड्डे ऑबजैक्ट नूं छोटी फोटो च बदल दिंदा क्लीयर होया ठीक है तो ये केड़ा केड़ा आना कला प्लेन नहीं प्लेन भी करैक्ट आ ते कन्वैक्स भी करैक्ट आ इदा इदा टिक नहीं लाउणी सिर्फ इक्को ते लाउणी छेवां छोटे छोटे आंदे लैटर्स पढ़ने हुण डिक्शनरी तो ते केड़ा लेंस वरतोगे डिक्शनरी दे उपर बड़े बरीक अक्खर जे हुंदे ने उहनां नूं वेखण दे लई केड़ा लेंस वरतोगे इहनां दे विचों केड़ा करैक्ट आ कन्वैक्स लेंस वरतना जिहड़ा थिक हुंदा जिहड़ा थिक हुंदा उहनूं वरतना हुण इत्थे कन्वैक्स लेंस दो तरहां दे आ इत्थे भी कन्वैक्स लेंस आ इत्थे भी कन्वैक्स लेंस आ जिहड़ा इत्थे 50 सेंटीमीटर इत्थे 5 सेंटीमीटर घट फोकल लेंथ वाले दी पावर ज़्यादा हुंदी छोटे अक्षर वेखण दे लई सानूं ज़्यादा पावर वाला लेंस चाहीदा ते ज़्यादा पावर किहदी हुंदी जिहदी फोकल लेंथ घट हुंदी ठीक है ना इहनां नूं टिक ला लो ये अपना कंप्लीट होए मल्टीपल चॉइस।